वेलकम बैक गाइस, आज हम खेलने के लिए जा रहे दोबारा से फोर्थ हॉरिजन 5। तो गाइस आज का एपिसोड है ना रियली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक सेकंड, खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरे एक दूर के अंकल ने है ना मुझे एक गिफ्ट दे रहा है 1989 का फरारी। भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एंड ये फरारी इसलिए दे रहा है क्योंकि यार उनका एज हो चुका है कुछ ज्यादा, तो यार वो है ना उस कार को नहीं चलाता है, तो वो है ना बस परा ही रहता है। तो अंकल ने कहा कि भाई तू ले ले, एंड मुझे है ना वो एड्रेस सेंड कर दिया, उस एड्रेस पे हम जाएंगे एंड वो है ना मुझे कार दे देगा। तो यार सच में ये जो कार है ना भाई, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये अंकल एक तरीके से है ना निशानी है ये वाली कार। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं गेम की ओर, लेट्स गो। वेलकम बैक गाइज, एंड फिलहाल में अभी है ना गाइज हम आए हुए थे यहाँ पे एक शानदार से होटल में, ठहर गए थे बस ऐसे ही, एंड मुझे है ना अभी डायरेक्ट जाना है अंकल के पास। देखो यार वो है ना ज़्यादा देर रहने वाला है नहीं, उनका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, एंड मुझे ये एड्रेस सेंड किया है वो है ना, एक सेकेंड, बीच के साइड है, एक बीच है ना जिनके बगल में पानी वगैरह होता है एंड घर वगैरह जहाँ पे बंदे सारे इंजॉय करते हैं, तो उन्हीं की साइड है ना वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फरारी को लेकर आया है। तो बोले भाई तू जल्दी से आ जाए एंड ले ले। एंड एक और इंटरेस्टिंग सी बात जान लो भाई, इस कार के लिए अंकल ने हमसे एक भी पैसे नहीं लिए ब्रो, एक भी पैसे नहीं लिए, वो हमसे है ना फ्री में दे रही वो वाली कार। एंड भाई मैं रियली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि भाई देखो यार वो जो कार है ना बहुत ही ज़्यादा पुराना है, समझ रहे हो, 1989 मतलब मेरे जन्म से पहले वाली कार है वो, एंड वो एकदम भाई मतलब रियली में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कार है, एंड वो सब कार अभी के टाइम में भाई मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड भाई आप चाहकर भी उस वाली कार को आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो मिलेगा ही नहीं अभी के टाइम में, बंद हो चुका है भाई। लेकिन अंकल ने है ना छुपा के रखा था उस वाली कार को एंड वो चला नहीं रहा था। फिलहाल में अगर देखा जाए तो भाई हम तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे बीच के साइड में, यहीं पे एड्रेस दिखाया था बाय द वे, हम तो एक सेकेंड बोला था ना बीच के साइड में, तो अब भी है ना एक सेकेंड मैं इसके अंदर चलता हूँ, ठीक है ना। ओके बाय द वे है ना मुझे ऐसा लग रहा है बीच के साइड में कहीं पे अंकल है ना आराम से भाई मज़े करते होंगे, क्योंकि यार उनके पास जो है ना भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, एंड इनसे इसीलिए तो वो है ना हमसे भाई कार के पैसे भी नहीं लिए, बस फ्री में मेरे को दे दिए। भाई यार क्या मज़े आएंगे यार उस वाली कार को चलाने के बाद, एंड उसका एक टेस्ट टेस्ट तो भाई बनता है। बाकी एक सेकेंड यार अंकल दिखाई कहाँ दे रहे हो, वेट हेलो किधर है भाई, यहाँ तो सारे सन्नाटा है, मुझे खोजना पड़ेगा काफ़ी ध्यान से भाई, कहीं पे कोई ना तो कोई आई थिंक रूम में ही होंगे, बाहर तो नहीं है भाई, बाहर पूरा सन्नाटा है, रुक जाओ यार मुझे आराम से देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर नहीं है कुछ भी, इधर नहीं है कुछ भी था पता नहीं है, एंड आगे भाई पूरा शांत सा माहौल है यार, अंकल ने मेरे को चुना मतलब बेकूफ बना दिया क्या यार, कुछ ऐसा सीन ना हो जाए, नहीं यार नहीं कर सकते अंकल ऐसा, थोड़ी मेरे साथ कर सकते हैं भाई। ओके इधर भी नहीं है ब्रो, क्या किया जाए भाई, कॉल लगाया जाए क्या, वेट यार थोड़े से और ढूंढ लेते हैं, आई थिंक कहीं ना तो कहीं होंगे ही बैठे हुए भाई जब बोले हैं वो तो। ओके एंड ये वाली होटल में आई थिंक होना चाहिए भाई, क्या मस्त जगह है, यहाँ पर भी नहीं है, वो बोले क्या कि हम है ना दो तीन बंदे के साथ यहाँ एक जगह पे है ना बीच के साइड एक छोटा ऐसा बैठने का जगह होता है वहीं पे बैठे हुए हैं, बट वो दिखाई दे ही नहीं रही भाई कहाँ पे है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा एक कोई ना तो कोई घर होगा जहाँ पे बैठे हुए, रुको यार मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, है तो यहीं पर कहीं ना तो कहीं, भाई बोले हैं तो एड्रेस भी सेंड कर दिए हैं भाई। एंड यहाँ पर नहीं ब्रो, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को है ना अंकल चूना बना दिया क्या भाई, भाई ऐसा सीन मत हुए यार प्लीज, चूना वाला सीन मत हुए यार भाई, सच में मेरा है ना भाई दिल टूट जाएगा यार, मैं सच में 1989 का कार देखना चाहता हूँ भाई, एंड चला के फील भी करना चाहता हूँ भाई किस तरीके से चलता है, एंड क्या उसमें अब जैसी रफ्तार है या इससे बेटर रफ्तार है, इससे बेटर कंट्रोल है, ये मैं भाई करना चाहता हूँ भाई। इधर तो नहीं है यार, इधर प्लीज अंकल बताओ यार, लेट्स गो, फाइनली मिल चुके हैं भाई, ये रहे अंकल यहाँ पे मजे कर रहे हैं ऊपर में, ओ शिट ब्रो
अब चलते डायरेक्ट अंकल के पास। ठीक है, लेट्स गो गाइस। फाइनली गाइस अंकल से हम ले चुके हैं ये रही 1989 की फरारी। ओ माय गॉड, मैं रियली बता रहा हूँ गाइस, मैं फील नहीं किया था कि इस तरीके का होगा भाई। सिमिलर है अभी के टाइम के जैसा, सिमिलर है पूरा। डैम ब्रो, भाई यार मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना बेटर कार ने अंकल मेरे को दिया है ना भाई, मैं सच में दिल खुश कर दिया भाई। मेरे से है ना एक रुपये भी नहीं लिया अंकल, वो तो ऐसा। ओके भाई सच में मज़ा आ गया यार, कार भाई ये एकदम पावरफुल कार है यार, इसे अगर मॉडिफाई कर देना तो और भी ज़्यादा लग्जरी लेगा। बट भाई मैं सोच रहा हूँ, देखो 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 भाई, देखो यार सच में क्या कार है भाई, क्या कार है ब्रो, 1989 का कार मेरे पास है, समझ रहे हो आप भाई। अभी के टाइम में ये सब कार मिलना, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप चाह कर भी इसे ना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मिल ही नहीं पाएगा तो आप करोगे कहाँ से, ये बात है ब्रो। लेट्स गो गाइस, अब भी चलते हैं बहुत ही तगड़े से रेस में, एंड देखते भाई। बस है ना मैं इसको इतने प्यार से ले जाएंगे ना, कहीं पर ठुकाए ना भाई ब्रो, मैं नहीं चाहता ही कहीं पर ठुकाए। ओके एंड अब तो है ना ऑफ रोडिंग में थोड़ी सी है ना कंट्रोल कर लेते हैं, देखते क्या होता है ऑफ रोडिंग में। भाई मैं रियली बता रहा हूँ, ये जो है ना उस अभी के टाइम से जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावर इसमें, मैं रियली बता रहा हूँ भाई। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ना अलग से तारीफ कर रहा हूँ कार की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ ये कार है ना रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कार है पहले से। एंड अगर बात किया जाए इसकी कस्टमाइज की, तो अभी के टाइम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। एंड डैम ब्रो, भाई भाई हेड बूट वाली कार को रेस में लेकर गए ना, तो बंदे क्या ही बोलेंगे, क्या ही भाई। चैलेंजर देखो, तीन तीन चैलेंजर ब्रो, डैम तीन तीन चैलेंजर भाई, हल्के में ले रहे इस वाली कार को भाई, आधा रेस करते भाई, हराना दिए तो बेकार ही है। आराम से भाई, कंट्रोल काफी बखन की तरह कर रहे हैं हम। एंड देखो यार मैं कस्टमाइज का सोच रहा हूँ, बट यार मैं एक बात और सोच रहा हूँ। देखो यार ये सब जो कार है ना कस्टमाइज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर तो हो जाता, बट कुछ ऐसे कार होते हैं ना जिसे भाई वैसे के वैसे रखना चाहिए। एंड मैं ऐसे नहीं चाहता कि भाई दोबारा कस्टमाइज करें, क्योंकि यार मेरे पास ये जो कार है ना बस एक ही कार है, एंड मैं नहीं चाहता कि इतने पुरानी कार को कस्टमाइज करके कुछ नया लुक दे, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसे नहीं कस्टमाइज करने वाला, यार मैं नहीं करने वाला इसे कस्टमाइज भाई, क्योंकि यार अंकल ने भाई इसे कब से रखा है इसको, बस है ना मतलब समझ रहे हो आप, पूरा बेहतरीन से रखा है, इसमें कस्टमाइज कुछ भी नहीं किया। एंड अगर हम इसमें कस्टमाइज कर दें तो भाई ये तो पहले से बेटर हो जाएगा, बट यार ये दिखने में उतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। एक सेकेंड, कस्टमाइज में इसकी भी पावर इंक्रीज कर दे, बाकी इसकी ये क्या कहते हैं इसका बॉडी पार्ट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस कलर में यही रहने देंगे। तो है नहीं यार, अबे नहीं यार ज्यादा एक्साइटेड हो गया भाई, कितने अब मुझे लग रहा है इस कार को दोबारा से मुझे है ना कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है कोई ना, करेंगे करेंगे, बस कलर वगैरह कुछ नहीं मतलब चेंज करेंगे, मॉडल यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, पावर इसमें कुछ ज़्यादा डाल देंगे ताकि ये कार पहले से और भी ज़्यादा बेटर चले। एंड इसे अक्सर रेस में हम इसी वाली कार को ले जाएंगे। ये रही 1989 की फरारी। ओ माय गॉड ब्रो, रियली डैम ब्रो, क्या लग रहा है ब्रो। भाई मुझे नहीं लग रहा है इस वाले रेस में ऐसा कोई कार आने वाला है, अभी देखते हैं कि आने वाला है कि नहीं आने वाला। फरारी के लोगो देख रहे हो भाई, लोगो देख रहे हो फरारी का भाई साहब, फरारी कार यार अपने आप में, समझ रहे मतलब फरारी मॉडल इतना ज़्यादा बेस्ट है कि ये 89 में किस तरीके की कार बना रही थी भाई साहब, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते इस लेवल का बंदे भाई उस समय थे। ओके लेट्स गो, चलते रेस के अंदर।
एंड देखते क्या, ओ भाई 947 इसका अभी के टाइम में पावर है, समझ रहे हो। अगर हम इसे इंक्रीज करते तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, बट इनसे भी फालतू को अभी साइड में रखते, अभी चलते रेस के अंदर। लेट्स गो। अरे भाई नहीं नहीं आया यार, वो नहीं आया मेरे जैसे कार किसी के पास नहीं है। वो देख रहे हो सारे पास नया मॉडल का, मेरे पास देख रहे हो बहुत ही पुराना मॉडल का। तुम्हारा भाई वन ऑफ द बेस्ट है यार, एक तो यार अभी सारे को हरा मेरी तो। अरे मेरी तरह कार किसके पास है भाई, दिखा दिखा। नहीं ये किसी के पास भी नहीं है, वो डैम नहीं इसके पास भी नहीं। चल 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 चल, ओके ओके ओके। नहीं गाइस सारे बंदे पास न्यू मॉडल के, बस तुम्हारे भाई पास जो है ना काफी पुराना मॉडल है भाई। ये बंदा पास, डैम ये बंदा पास मेरी तरह है। एक सेकंड ब्लू वाला था ना गाड़ी का, रुको 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 रुको, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बस मेरे बराबरी में आने दो उस बंदे का, देखेंगे देखेंगे। डैम ब्रो भाई मेरी तरह कार आ गए भाई 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 यार मजा आ गया। असल में है क्या कि असल में है क्या, अगर हम जिस कार को लेंगे ना रेस में, तो आई थिंक एक ना तो एक कार मेरे जैसा पकड़ा ही जाता है रेस में, इस वजह से आ गया। बट ये कार मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। रुको भाई आने दो, इसे लेवल में आने दो, अब भी हम जैसे देखने वाले हैं। बट ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पीछे भाई लेवल में, ओके आराम से भाई। देख रहे यार मेरे से है ना बैटर कार है इनका, वो मेरे से बैटर कार है। ओके ओके ओके, मानोगे नहीं गाइस हम बहुत ही बेहतरीन से कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो है ना इनका मतलब स्टेयर जो होता है ना वो काफ़ी बेहतरीन से घूम रहा है भाई, बेहतरीन से काफ़ी इजीली घूम रहा है। ओके ओ ना ना ना, ओके नहीं 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 ओके ओके बस बस थोड़ा सा बैक किया ना उसी में मेरा बैलेंस खराब हो गया, बट कोई ना इस दफा तुम्हारा भाई देता हूँ। ओके ओके मैं समझ गया, अपनी कार को दोबारा से सब कुछ करना ही पड़ेगा। पीछे का शीशा पूरा क्रैक गाइस, ओ आराम से पीछे का शीशा पूरा क्रैक। ना 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 भाई ना ना, वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारा भाई सबसे आगे है एंड एक बंदा तुम्हारे भाई से अच्छा कंपेयर कर रहा है। कोई ना भाई जाते रहे जाते रहे, इसे भी तुम्हारा भाई इजिली हरा देगा। ओ ना ना ना, ओ भाई मैं काफ़ी सोच रहा हूँ कि मेरी कार जरा भी ना टकराए, बट भाई मोड में है ना टकराई ज़्यादा, क्योंकि यार स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इस स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं तो बंदे मेरे को छू लेते। नहीं 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 बैक 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 बैक, मेरे को छू लेते हैं एंड इस वजह से जो है ना तुम्हारा भाई स्पीड कम नहीं करता एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कार डैमेज हो जाता। बट कोई ना, ओके ओके मैं समझ गया भाई, मेरे कार को है ना करना ही पड़ेगा दोबारा से अपग्रेड। लेट्स गो। मैं एक मिनट भाई, मैं आगे हुआ भाई, मेरे तो सारे बंदे आगे निकल गए। नहीं यार फर्स्ट तो मैं ही हूँ भाई, एक भी बंदे दिखाई नहीं दे रहे। अब देख रहे हो यार एक भी बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई साहब, क्या स्पीड है अब आने वाला, आई थिंक अब आने वाला बंदा। नहीं नहीं अभी भी नहीं है ब्रो, अभी भी नहीं। ओके ओके आ गया, लेट्स आ गया, एक बंदा आ गया कहीं। लेट्स गो गाइस, रेस जीतने वाले बहुत ही आगे हैं, थोड़ा सा बच्चा अब भी इसे। क्या लगता है गाइस बंदे जीतेंगे कि नहीं? बंदे यार दिखाई दे रहे थे भी नहीं दिखाई दे रहे। ओ नहीं ब्रो, बंदे काफी ज्यादा हमसे नजदीक है भाई। ओके मुझे मजाक नहीं, ये लास्ट है। ओ ना 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 ना, रिवर्स 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 रिवर्स, ना 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 भाई पूरा मैच को बदल देता एक ही सेकंड में। लेट्स गो फाइनली कंप्लीट। बट गाइस कार का काफी ज्यादा बुरा हालत हो चुका है अभी के टाइम में, फर्स्ट तो आ चुके हैं। मुझे पता था यार ये कार मुझे है ना इजिली ये मैच जिता देगा, मुझे कंफर्म, मुझे है ना रियली में बता रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद था कि ये कार मुझे इजिली जिता देगा एंड ये कार मुझे फाइनली जिता भी दिया। एंड भाई ये वाला कार है ना किसी बंदे के पास नहीं था एंड मुझे एक बंदा लगा कि उसके पास होगा। काम करते हैं ना, चलते हैं गाइस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है that's about all I can think of for Horizon Wilds. He did it. Okay, let's go.
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना इस वाली कार को अपग्रेड करा सकते थोड़ी मोड़ी पावर आने के लिए। इस वाली कार को अपग्रेड करें या नहीं करें, या इसको मॉडिफाई करें या नहीं करें, सारी बात आप बता देना ठीक है कमेंट में। भाई मैं सारे कमेंट में है ना वो ना 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 रिवर्स 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 ओके लेट्स गो। एक और सुपर कंट्रोल ना काफी हार्ड ये भाग रहा भाई थोड़ा पीछे से होगा। ओके पीछे का शीशा पूरा इस कार की क्रैक हो चुका है। बाय द वे गाइस इस वाली कार की ना शीशा काफी ज्यादा है, पीछे आगे दोनों साइड शीशे एंड काफी इजीली क्रैक हो जा रहा है ये वाला शीशा भाई समझ रहे हो। एंड एक सेकंड मैंने यहां पे है ना एक बहुत ही बेहतरीन सा लोकेशन देखे हैं एंड मैंने इससे पहले इस वाले लोकेशन को विजिट नहीं किया तो अभी देख लेते भाई कौन सा जगह है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं एक मिनट ये हाउस है क्या उसको अंदर जाके देख लेते भाई काफी बेहतरीन सा लोकेशन है एंड रास्ता देख लो यार क्या अमेजिंग सा रास्ता बना पड़ा है। एक मिनट ओके तो ये जो घर है ना आई थिंक काफी ज्यादा पुराना घर है जो अभी के टाइम में टूटा फूटा है सब देख रहे हो आप बहुत ही ज्यादा पुराना है। हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना है मुझे लगा कि कोई बेहतरीन सा घर होगा क्योंकि भाई लोकेशन काफी बेहतरीन नहीं आता बट ऐसा नहीं है। ओके कोई ना चलते हैं ओके। भाई काफी मस्त जगह है यार यहाँ पे बंदे आके आराम से चिल भी कर सकते हैं घूम भी सकते हैं। लैक तो गाइस सामने मुझे दिख गया है एक बहुत ही बेहतरीन सा होटल। बाय द वे एक मिनट ये होटल मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है एक मिनट अंदर जाके देखते हैं भाई मुझे ऐसा। ओके तो मैं समझ गया लास्ट टाइम भाई पिछले मतलब पिछले से पिछले वाले एपिसोड में जो है ना हम इसी होटल में आके बैठे थे ठीक है। एक मिनट भाई कोई बंदा है कि नहीं। अबे यार कोई बंदा नहीं है गेट को तोड़ना पड़ेगा क्या दया की तरह। वेट भाई तोड़ नहीं पा रहा है रुको 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 थोड़े से है ना पीछे जाके धक्का मारना होगा। ओके भाई इसका पक्का चार्ज लेने वाला बंदा हमसे। मुझे पता है इस घर का ओके मैंने इसी वाले घर में लास्ट टाइम रुके थे। बाय द वे हाँ भाई मैंने गेट को तोड़े हैं ना तो बंदे रियली में बता रहा हूँ चार्ज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लेगा। तो हाँ गाइस हम यहीं ठहर जाते हैं एंड इस बंदे से जाके पूछ लेते हैं। बाकी आप सभी का एक ही काम है वीडियो को लाइक करके चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो कर देना भाई क्या जाता है सब्सक्राइब में। तो आज के लिए इतना ही आई होप ये वाली गेम प्ले वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो यार बस इतना ही